है ना, ये यहाँ पे जो न्यूली मैरिड कपल है उनके फोटो शॉट के लिए ढूंढना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। इसकी वजह से मस्जिद के अंदर जाने के लिए ना हमें मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है, वहाँ सोशल डिस्टेंस का है ना कि अपने कैलेंडर उसके मुताबिक आज जो है ना मौसम सरमा का आगाज़ हुआ है, और मौसम सरमा के आगाज़ में ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, खुशामदीद, और मेरा नाम अहमद बोस्तानी, मैं दुबई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डालियान चाइना में टूरिज्म मैनेजमेंट का स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बैनुल अक्वामी तालिब इल्म के तौर पर डालियान के सियाहती मकामात, मुस्लिम तालिब इल्म होने के नाते हलाल चीज़ों के बारे में, और बाकी जो मेरे चाइना में तजुर्बात और तासुरात है बारे में दिखाऊंगा। ये इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। डालियान सिटी को मुमताज़ करती है बाकी सिटियों से वो ये है कि सिटी के तीनों तरफ जो है ना वो समंदर है, तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसको रोमांटिक सिटी ऑफ चाइना कहा जाता है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। अट्रैक्शन है ना, ये यहाँ पे जो न्यूली मैरिड कपल है उनके फ़ोटो शॉट के लिए वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज मैं आया हुआ हूँ शिंगाई बे ब्रिज पे, जिसकी लंबाई तकरीबन 6.8 किलोमीटर है, और ये यहाँ डालियान का सबसे मशहूर सियाहती मकाम है। ये ऊपर से जो है ना रास्ता बना हुआ है यहाँ के लिए, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है, ये उसके साथ ही है समंदर। यहाँ पे माहीगीर जो है ना वो मछली वगैरह भी पकड़ रहे हैं। इसका नाम गोल्डन पीबल बीच क्यों रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो नीचे जितने भी चीज़ें ये गोल्ड की तरह दिखता है, इस वजह से इसका नाम है गोल्डन पीबल बीच। ये प्यारा बीच है। सबने अपने अपने बना लिए, और कि जितने भी टूरिस्ट एरिया है और जितने इनके फूड स्ट्रीट है उनके अंदर जो है ना सेल्फ सर्विस का जो है ना वो निज़ाम होता है। हलाल मीट वगैरह कैसे आप लोग को कर लेते हो, कैसे ढूंढ लेते हो? ये मुस्लिम शॉप है, ये हलाल मीट्स वगैरह हम यहाँ से बाई करते हैं और ख़रीदते हैं। ये सब्ज़ी यहाँ से बहुत अच्छे ताज़े और तकरीबन बाकी मार्केट से सस्ती भी आपको मिल जाती है। ये मुस्लिम रेस्टोरेंट डालियान के अंदर है, तो डालियान में हलाल फूड ढूंढना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। इसकी वजह से मस्जिद के अंदर जाने के लिए ना हमें मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है, वहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ता है। चाइना के अंदर मौसम बहार कैसा होता है, चाइना में मौसम खजा की आमद आमद है। चाइना के अपने कैलेंडर उसके मुताबिक आज जो है ना मौसम सरमा का आगाज हुआ है, और मौसम सरमा के आगाज में ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरा इंतखाब डालियान आला तालीम के मंजिल के तौर पर पसंद आएगी।